हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आई एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 14 में हम लोग इस बुक के पहुंच चुके हैं जो है मरीन ऑर्गेनिज्म के ऊपर ठीक है मरीन मतलब आप समझते हैं जो वाटर बॉडीज वगैरह में ऑर्गेनिज्म रहते हैं पिछले दो चैप्टर्स जो थे जिसमें हम लोगों ने एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करी थी और प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात करी थी आज हम लोग प्लांट्स में ही और एनिमल्स का ही एक पार्ट देखेंगे दैट इज योर Planktons देखेंगे बेसिकली द फाइटो प्लान जो प्लांट्स होते हैं और जू प्लैंगट जो एनिमल्स होते हैं बट वो सारे के सारे कैसे रहेंगे मरीन वाले यानी कि वाटर बॉडीज में रहेंगे ठीक है ना तो चैप्टर हालांकि थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग इसको जो है एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जिनको ये पसंद आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो तो उसके लिए आप लोग नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लें और अगर आप लोग चाहते हैं इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ को हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारे कोर्स के थ्रू पढ़ना जहाँ पर आपको एड फ्री कंटेंट मिल जाएगा यानी कि वीडियोस बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं तो फिलहाल हम लोग जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्टीन ऑन मरीन ऑर्गेनिज्म तो आइए शुरू करते हैं देखिए टर्म दिया है प्लैंकटन ठीक है प्लैंकटन बेसिकली आर आप कह सकते हैं प्लांट्स प्लस एनिमल्स ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रहेंगे ठीक है तो उसको देखते हैं क्या लिखा है इसका मतलब द टर्म प्लैंकटन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है विच फ्लोट इन द सरफेस वाटर्स ऑफ द रिवर्स लेक्स एंड ओशियंस ठीक सबसे पहली बात तो आप समझ गए कि ये कहां पर होगा पानी में होगा वाटर में होगा यानी कि ये कैसा है दिस इज एक्वेटिक ठीक है पहली बात तो एक्वेटिक है और दूसरी बात यह है कि ये पानी में भी नीचे नहीं होगा ज्यादा सरफेस पर होगा सरफेस वॉटर्स ऑफ दी रिवर्स लेक्स एंड ओशियंस तो यहां से आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि ये एक तो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है प्लस आप कह सकते हैं सॉल्टी या सलाइन वाटर में भी हो सकता है ठीक है क्योंकि आप रिवर्स कह सकते हैं लेक्स कह सकते हैं फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है और आपके ओशियन जो है वो सलाइन वाटर का एग्जाम्पल है ठीक तो इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एलगी ठीक है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एलगी इसमें रहता है जिसको बोला जाता है फाइटो एंड एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस एंड प्रोटोजोन्स जिनको बोला जाता है जू फाउंड इन ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स यानी कि जहां पर पानी स्विफ्टली मूव कर रहा है तेजी से मूव कर रहा है वहां पर ये नहीं मिलेंगे इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे इकोसिस्टम्स में आपको इस तरीके के जो फाइटो और जू प्लैंटन वो देखने को मिल जाएंगे ठीक द लोकोमोटरी पावर ऑफ द प्लान इज लिमिटेड सो दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड लार्जली बाई करेंट्स इन द एक्वेटिक इको यानी कि इनकी जो खुद की लोकोमोटरी पावर है लोकोमोटरी पावर मतलब खुद मूव करने की जो पावर है वो लिमिटेड है इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा यानी कि कहां पर ये पाए जाएंगे कहां पर नहीं पाए जाएंगे वो जो आपको पता है वाटर बॉडीज में एक होता है करेंट्स करेंट्स मतलब जिसके थ्रू जो वाटर बॉडीज में वाटर जो सरफेस वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज नोन एज स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ओशन उसको ओशन करेंट्स वगैरह बोला जाता है वो आप लोगों ने जोग्राफी में पढ़ा होगा ठीक है हमने भी अपने ज्योग्रफी के कोर्स में वो चीज कवर करी थी तो ओशन करेंट्स के वजह से या जो आप कह सकते हैं वाटर करेंट्स की वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा यानी कि जिस तरफ को करंट्स मूव करेंगे ये उसी तरफ को मूव करेंगे क्योंकि इनकी खुद की जो लोकोमोटरी पावर है या जो मूविंग पावर है वो कैसी है वो लिमिटेड है ठीक इसके बाद द ग्रोथ रेट प्रोडक्टिविटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लैंकटन इन ट्रॉपिकल वाटर्स स्पेशली इन मैनग्रूव वाटर्स आर हाई ठीक है यानी कि इनके जो ग्रोथ रेट है यानी कि जो इनके बढ़ने की या वृद्धि होने की जो दर है जो इनकी प्रोडक्टिविटी है जो उत्पादकता है और जो इनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कहां पर ज्यादा होगी ट्रॉपिकल वाटर्स में और स्पेशली उसमें भी अगर हम बात कर ले मैनग्रूव वाटर्स की तो वहां पर ज्यादा होगी ठीक चलिए इसके बाद एक एक करके हम लोग जो ये फाइटो प्लैट और जू प्लैंटन से इनको देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फाइटो प्लैंटन अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिल सकता है ये जूम व्यू में ठीक है अब ये क्या है दिस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फाइटो फाइटो मतलब प्लांट एंड प्लैंकटन दैट इज मेड टू वंडर और ड्रिफ्ट ठीक फाइटो प्लांटन आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स बोथ सॉल्टी एंड फ्रेश मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉल्टी आन का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया दैट इज ओशियन ठीक है और फ्रेश आप ले लेंगे तो आपका हो गया रिवर्स तो दिस इज द फ्रेश में भी रहते हैं और सॉल्टी में भी रहते हैं ठीक सम फाइटो प्लांटन आर बैक्टीरिया कुछ फाइटो प्लांटन ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया है सम आर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट बेसिकली क्या होते हैं ज्यादा तो आप लोग साइंस में पढ़ेंगे ठीक है ये बेसिकली आपने एक टाइप सुना होगा दैट इज यू कैरियोटिक ठीक है ना यू कैरियोटिक्स या यू कैरियोट्स जो होते हैं ठीक है, है? जिनमें बेसिकली आपका जो सेल वॉल वगैरह है मेमब्रेन वगैरह होती है न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है वो सारी की सारी चीजें हैं ठीक है दैट वी आर नॉट गोइंग टू डील हेयर इन डिटेल क्योंकि वो आपके बायोलॉजी का साइंस का पार्ट है ठीक तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं कुछ प्रोटेस्ट होते हैं एंड सम आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स ठीक है सिंगल सेल्ड प्लांट्स जैसे कि अमीबा वगैरह उस तरीके के होते हैं अ दी कॉमन काइंड आर साइनोबैक्टीरिया सिलीका एनकेस्ड डाइटम्स डायनोफ्लेजिलेट्स ग्रीन एलगी एंड चौक कोटेड कोकोलिथोफोर्स ठीक है ये कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल है या कॉमन काइंड कह सकते हैं फाइटो प्लांट टेन प्रोड्यूस मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ दिन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल दी प्लांट्स अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है कि जितने भी प्लांट्स है क्योंकि हमें पता है प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो ओवरऑल जितने भी पूरे के पूरे प्लांट्स हैं उनमें से 60 परसेंट जो ऑक्सीजन निकलती है वो फाइटो से ही निकलती है तो आप समझ सकते हैं ये कितने ज्यादा इकोलॉजी के लिए या एनवायरमेंट के लिए यूजफुल है लाइक लैंड प्लांट्स ऑल फाइटो प्लैंटन हैव क्लोरोफिल अब देखिए इनके पास क्लोरोफिल होता है टू कैप्चर द सनलाइट एंड दे यूज फोटोसिंथेसिस टू टर्न इट टू केमिकल एनर्जी हमें पता है कि लैंड प्लांट्स जिसके केस में लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है ना एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और मिट्टी से रूट्स के थ्रू वो मॉइस्चर खींचते हैं और उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू टू शुगर एंड ऑक्सीजन तो वही काम जो है ये फाइटो भी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फाइटो आर इक्वली कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड और टू सिंथेसाइज द फूड और सिंथेसाइज ऑक्सीजन एंड शुगर और सुक्रोज यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस यानी किस में ये पार्टिसिपेट करते हैं दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ऑल फाइटो प्लैंगटेन फोटो सिंथेसाइज बट सम गेट एडिशनल एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक कि फाइटो जितने भी हैं सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं ठीक और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं जैसे कि आपको पिछले पार्ट्स में हमने ध्यान होगा जब हमने प्लांट डाइवर्सिटी को लेकर पिछले चैप्टर में बात की थी तो वहां पर हमने कुछ प्लांट्स देखे थे ठीक है जिसको हम बोल रहे थे हंटर प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो वो भी क्या करते थे फोटोसिंथेसिस में पार्ट तो वो भी लेते थे थोड़ा बहुत लेकिन उसके साथ साथ वो अपना जो सप्लीमेंट था जो फूड की उनको कमी होती थी न्यूट्रियट पुअर हैबिटेट में वो रहते थे तो सप्लीमेंट की कमी को वो पूरा कैसे करते थे बाय कंज्यूमिंग सम ऑफ दी इंसेक्ट्स तो सिमिलरली इनका भी यही है ठीक है ना फाइटोप्लैक्टेन सारे के सारे फोटोसिंथेसाइज तो करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एडिशनल एनर्जी ले लेते हैं कहां से बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम ठीक दीज माइक्रो एलगी आर प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइटेड रीजन ऑफ ऑल द सीज लाइटेड रीजन मतलब जहां पर लाइट वगैरह रहती है वहां पर क्यों ऑब्वियसली बात है जहां पर लाइट होगी वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी तो इसीलिए ये लाइटेड रीजन में ही पा पाए जाएंगे ऑफ द ऑल द सीज एंड द ओशन इंक्लूडिंग द पोलर रीजन देखिए यहां पर आपको हर लाइन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है पहले वाली लाइन पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि सारे के सारे जो फ्लाइटो प्लैनटेंस हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं और यहां पर आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये मिला कि पोलर रीजन्स में भी फाइटो पाए है जाते हैं

ठीक है बायोमास ज्यादा किसका है जो आपके फाइटो प्लांटेंस है इनका बायोमास ओवरऑल अगर आप बात करें तो लैंड में जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उससे भी ज्यादा है ठीक है और ये इक्वेटिक एनवायरमेंट के लिए एक पास्चर का ग्राउंड का काम करते हैं यानी कि जहां पर बाकी ऑर्गेनिजम्स वगैरह क्या करते हैं दे आर दे यूज दिस फॉर ग्रेजिंग ठीक इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो फाइटो की बायोडावर्सिटी को क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं सबसे पहला उसमें है लाइट ठीक टन आर लिमिटेड टू दी अपर मोस्ट लेयर्स ऑफ दी ओशन देखिए ही बात है अपर मोस्ट में क्यों रहेंगे क्योंकि वहां पर लाइट इंटेंसिटी जो है वो सफिशियंट है फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस एंड द फोटो सिंथेटिक रेट वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी ज्यादा लाइट होगी तो फोटोसिथसिस ज्यादा होगी लाइट अगर कम होगी तो फोटोसिथेसिस कम होगी ठीक इसके बाद अगला आ जाता है न्यूट्रिय द मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रियन रिक्वायर्ड बाई फाइटो प्लानन फॉर ग्रोथ एंड रिपोडक्शन आर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अब आप याद कीजिए जो हमने चैप्टर पढ़ा था अबाउट द यूट्रोफिकेशन वहां पर भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमने देखा था कि फर्टिलाइजर्स वगैरह में जो होता है वो यही चीजें होती है नाइट्रोजन होता है फॉस्फोरस होता है और जो न्यूट्रिय रिच वाटर होता है वहीं पर एलगी होती है ठीक है तो दैट इज बेसिकली एलगी इज ऑल्सोन वन ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइटो ओनली तो इसलिए फाइटो की ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए आपको चाहिए न्यूट्रियट रिच न्यूट्रियट रिच एनवायरमेंट या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रिय रिच वॉटर ठीक डाईटम्स एंड सिलिको फ्लेजिलेट्स ऑल्सो रिक्वायर सिलिकेट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ठीक है डाइ आइटम्स और जो सिलिको फ्लेजुलेट्स होते हैं इनको सिलिकेट की जरूरत भी पड़ती है ठीक अब यहां से अगर आप एक एग्जाम्प या आप एक डिफरेंस निकालना चाहें पिछले चैप्टर में जो हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करी थी या जो हंटर प्लांट्स की बात करी थी वो क्या थी कि उनके लिए न्यूट्रिएंट रिच वाटर नहीं चाहिए उनके लिए कैसा वाटर चाहिए न्यूट्रिएंट पुअर वाटर ठीक है तो आप जैसे जैसे आगे आगे पीछे की चीजें पढ़ रहे हैं उसमें आप एक दूसरे पॉइंट में या एक दूसरे तरीके की चीजों में कंपेयर करना भी सीखेगा ठीक है जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि हमने देखा कि ये प्लांट्स भी क्या करते हैं थोड़ा बहुत ये और ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं एडिशनल फूड रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्टिवरस प्लांट भी करते हैं लेकिन इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या है वो न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में रहते हैं और ये जो फाइटो हैं ये जनरली कहां पर मिलेंगे आपको न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ठीक सम फाइटो जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स भी कर सकते हैं दे हैव कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ग्रो इन ग्रो इन एरियाज वेर नाइट्रेट कंसनट्रेशन आर लो इसलिए ये ऐसे रीजन में भी रह सकते हैं जहां पर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है कम है क्योंकि वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ठीक दे ऑल्सो रिक्वायर ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन विच लिमिट्स फाइटो growth इन लार्ज एरियाज ऑफ ओशियन बिकॉज आयरन कंसेंट्रेशन आर वेरी लो ठीक है इनके लिए थोड़ा बहुत आयरन की अमाउंट की भी जरूरत होती है और इसीलिए जो फाइटो की ग्रोथ है वो लार्ज एरियाज ऑफ द ओशन में नहीं होती क्योंकि वहां पर आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है वो बहुत ही कम होती है ठीक इसके बाद टेम्परेचर की अगर हम बात करें तापमान की बात करें तो टेम्परेचर एक्ट्स अलोंग विद अदर फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग इंफ्लुएंसिंग वेरिएशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन के वेरिएशन में कि कहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोड़ ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कहां पर कम हो रहा है उसमें टेम्परेचर का भी रोल है जनरली द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बट डिमिनेशे शार्पली आफ्टर आ पॉइंट इज रीच्ड ठीक है मतलब एक नॉर्मल स्टेज तक अगर हम बात करें तो जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ेगा लेकिन एक लिमिट तक पहुंचने के बाद वो टेम्परेचर फिर क्या होगा मतलब उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो फिर ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाते ही चले जाएं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता ही जाएगा ऐसा नहीं है एक लिमिट तक बढ़ेगा उसके बाद फिर वो कम होने लग जाएगा ठीक टेम्परेचर टुगेदर विद इल्यूमिनेशन इन्फ्लूएंस द सीजनल वेरिएशन ऑफ फाइटोप्लैंगटेन प्रोडक्शन इन द टेमपरेट लेटीट्यूड्स टेम्परेट लेटिट्यूड्स में क्या है कि टेम्परेचर और साथ साथ इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो वो सीजनल वेरिएशन के लिए क्या है जिम्मेदार है या उसको इंफ्लुएंस करती है किसकी फाइटोप्लैंगटे की इन द टेम्परेट लेटिट्यूड्स में ठीक इसके बाद सेलिनिटी की बात कर लेते हैं डिसाइड्स लाइट एंड टेम्परेचर सेलिनिटी ऑल्सो इज नोन टू इंफ्लुएस द प्राइमरी प्रोडक्शन सेलिनिटी जो है वो भी प्राइमरी प्रोडक्शन को इफेक्ट डालती है ग्रेजिंग की बात करें अब देखिये ऑब्वियसली बात है जू प्लैंगटन क्या है जू प्लैंगटन आगे हम पढ़ेंगे दे आर अइंड ऑफ एनिमल्स ठीक अब एनिमल्स तो ऑब्वियत है प्लांट्स को खाएंगे है ना तो जू प्लैंगट के द्वारा भी ग्रेजिंग की जाती है द ग्रेजिंग रेट ऑफ जू प्लैंगटन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लूएसिंग द साइज ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटो प्लान्टन एंड दे आर बाय द रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि टन्स को अगर अगर ज्यादा ग्रेज किया जाएगा जू के द्वारा तो फिर ये कम हो जाएंगे है ना तो वो डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ ग्रेजिंग है ठीक है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मरीन फाइटो आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑफ वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड में जितने भी ओशंस हैं हर जगह पर आपको ये मरीन फाइटो जो है वो समान रूप से या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेंगे ठीक दी हाइएस्ट कंसनट्रेशन आर फाउंडेड हाई फाउंडट्यूड जो हाई लेटीट्यूड पर आपके कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा मिलेगी विद द एक्सेप्शन ऑफ अपवेलिंग एरियाज ऑन दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ठीक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो अपवेलिंग एरियाज होते हैं ठीक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है अपवेलिंग क्या होती है ये सारी की सारी चीजें आपके ज्योग्राफी के कंसेप्ट है और मैंने आपको ये बात इस कोर्स के दौरान ही बहुत बार बोली है कि आप इस कोर्स को अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ या तो ज्योग्राफी पढ़िए या फिर आप ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद इस कोर्स को पढ़िए अदरवाइज इस तरीके के टर्म्स आप लोगों के लिए समझना जो है वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है और जब तक आप ये सारे के सारे टर्म्स को अच्छे से समझेंगे नहीं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है अपवेलिंग क्या होती है ओशियन करेंट्स क्या होते हैं आप इस कोर्स में जितना भी एफर्ट हमारी तरफ से किया जा रहा है आप उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये मेरी आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आइदर आप लोग ज्योग्राफी जो है वो साथ साथ पढ़ते रहिए एक स्टेप आगे ज्योग्राफी में रहिए उसके पीछे आप इसको करिए या फिर आप पहले पूरा अपने ज्योग्राफी का जो कोर्स है स्पेसिफिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको पढ़िए उसके बाद आप आके यहां पर यह इन्वायरमेंट का कोर्स पढ़िएगा ठीक है चलिए वेल द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स हैोअर कंसेंट्रेशन ठीक है इसको ध्यान रखिएगा हाई लेटीट्यूड मतलब पोलर रीजन में फाइटोप्लैंगटन ज्यादा पाए जाएंगे ठीक है उसके बाद जो टेम्परेट रीजन है वहां पर फिर आपके जो सब ट्रॉपिक्स है वहां पर फिर जो ट्रॉपिक्स है वहां पर वहां पर सबसे कम होंगे ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में ठीक इन एडिशन टू न्यूट्रिय टेम्परेचर सेलिनेटी एंड लाइट अवेलेबिलिटी दी हाई लेवल्स ऑफ एक्सपोजर टू द सोलर यूवी बी रेडिएशन दैट नॉर्मली अकर विद इन दी ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में प्ले आ रोल इन फाइटो प्लैंटन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो सोलर से यू वी बी यानी कि अल्ट्रा वायोलेट की जो बी रेडिएशन होती है वो भी क्या है वो फाइटो प्लान्टन के डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी एक रोल प्ले करती है फाइटो प्लान्टन प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड टू द यू फोर्टिक जोन यू फोर्टिक जोन मैंने आपको बताया था ठीक है जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी यूट्रोफिकेशन तो वहाँ पर हमने यू फोर्टिक जोन वगैरह की बात करी थी तो इसमें क्या लिखा है कि जो फ्लाइटो प्लान्टिन की प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ कहां पर होगी यू फोर्टिक जोन में ही होगी अपर लेयर ऑफ दी वाटर कॉलम इन विच देर इज सफिशेंट सनलाइट टू सपोर्ट द नेट प्रोडक्टिविटी क्योंकि सनलाइट की जरूरत क्यों है और सफिशियंट मात्रा में क्यों जरूरत है क्योंकि हमें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करानी है इसलिए ठीक दी पोजिशन ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स इन द यूफोर्टिक जोन इज इन्फ्लूएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ विंडस एंड वेव्स अब ये यूफोटिक uh, जोन में जो ऑर्गेनिज्म की पोजिशन है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाएगी विंड्स और वेव्स के एक्शन के द्वारा भी क्योंकि विंड्स और वेवस अगर ज्यादा होंगी तो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मूव करेंगे ठीक इसके बाद अब ये फाइटो जो है इनकी इंपॉर्टेंस या महत्वता क्या है ठीक है सबसे पहली बात तो जो है दैट इज इन दी फूड वेब फाइटो द फाउंडेशन ऑफ द फूड वेब क्योंकि फूड वेब में आपको पता है कि जो सबसे पहला लेवल होता है या जिसको हम कह सकते हैं द स्टार्टिंग लेवल और द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल वो मैंने आपको बताया था दैट शुड बी प्रोड्यूसर्स ठीक है वो प्रोड्यूसर्स होना जरूरी है क्योंकि प्रोड्यूसर अगर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि आप और हम क्या है कि सनलाइट को डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ठीक है सनलाइट को हम अपने लिए यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें प्रोड्यूसर्स की जरूरत है जो प्लांट्स वगैरह है लैंड में भी वही जरूरत है कि प्लांट्स क्या करें पहले जो सनलाइट की एनर्जी है उसको हमारे लिए जो यूजफुल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करें देन वी विल कंज्यूम द प्लांट्स एंड ऑल ठीक है ना तो इसलिए उसी तरीके से फाइटो जो है दे आर ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द एक्वेटिक फूड वेब द प्राइमरी प्रोड्यूसर इट फीड्स एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक जू प्लैंगटन टू वेल्स यानी कि ये सारे के सारे जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स यानी कि जू प्लैक्टन से लेकर बड़ी से बड़ी जो वेल्स हैं उन सब के लिए ये फूड का, का काम करता है स्मॉल फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स ग्रेज ऑन दी फाइटो प्लांट एंड देन स्मॉलर एनिमल्स आर रिटन बाय बिगर ये तो वही बात है ठीक है कि पहले सबसे पहले जो जू प्लैक्टेन्स वगैरा है वो क्या करेंगे वो फिश को वो वो इसको खाएंगे फाइटो को ठीक है फिर जू प्लैंटेंस को स्मॉल फिश खाएंगी फिर उसको, उसको उससे बड़ी फिश खाएंगी फिर सबसे बड़ी फिश खाएंगी फिर ऐसे करते करते ये पूरी की पूरी फूड चेन फूड वेब वगैरह जो है चलता रहेगा ठीक इसके बाद फाइटो प्लान द कार्बन साइकिल एंड द क्लाइमेट चेंज अब देखिए कार्बन साइकिल और क्लाइमेट चेंज में ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं फाइटो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर टू द ओशियन क्योंकि ये एटमोस्फेर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे कैप्चर करेंगे और उससे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे ठीक कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड द कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड दिन दाइटो प्लांटे जस्ट एस कार्बन इज स्टोर्ड इन द वुड एंड लीव्स ऑफ द ट्री जैसे लैंड प्लांट के केस में होता है है ना कि क्या होता है लैंड प्लांट जो होते हैं वो एटमोसफेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और अपने पास स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर ठीक है sugar, या सुक्रोज जिसको बोल रहे हैं तो सिमिलरली यहां पर भी यही होता है ठीक है यहां पर भी ये एक्वेटिक रीजन में ऐसा ही करते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बन इज रिटर्न टू नियर सरफेस वाटर वेन फाइटो प्लांटन्स आर ईटन और डिकम्पोज बट सम फॉल्स इन टू द ओशियन डेप्स अब ऑब्वियसली बात है कि जब इन फाइटो प्लांटेंस को खाया जाएगा किसी भी जू प्लांटेंस या किसी भी और एक्वेटिक एनिमल के द्वारा तो फिर वो क्या करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करेंगे ठीक है कार्बन सिक्रीट करेंगे और वो कार्बन जो है वो जनरली आपके नियर सर्फेस वॉटर पर ही रहेगी क्योंकि ये जनरली फाइटो प्लांटन आपको ऊपर के रीजन में भी मिलते हैं और कुछ ऐसा होगा थोड़ा बहुत जो है वो जो हैवियर होगा वो नीचे ओशियन डेप्थ में भी जा सकता है वर्ल्ड वाइड दिस बायोलॉजिकल कार्बन पंप ट्रांसफर्स अबाउट टेन गीघा टन ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू द डीप ओशियन ईच एयर ठीक है और लगभग लगभग अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें पूरे विश्व में बात करें तो जो ये कार्बन जो बायोलॉजिकल कार्बन पंप है ये लगभग दस गीघा टन का कार्बन जो है वो एटमोसफियर से डीप ओशन में हर साल ट्रांसफर करता है ठीक स्मॉल चेंज इन दी ग्रोथ ऑफ फाइटो प्लान्टन मेंफेक्ट एटमोस्फेयरिक कार्बन डाईऑक्साइड कंसनट्रेशन विच वुड फीडबैक टू ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर यानी कि अगर ये जो फाइटो प्लान्ट की ग्रोथ है अगर इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज आता है या आप कह सकते हैं कि अगर कमी आती है तो उससे फिर क्या होगा कि एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वह प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर फाइटो प्लान्टस कम हो गए तो क्या होगा है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से एटमोस्फेयर में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और उससे फिर ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर वगैरह जो है वो क्या होगा वो बढ़ने लगेगा और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी ठीक दिस इज ऑल अबाउट योर फाइटो अब इसके बाद हम बात करते हैं जू प्लैंटन्स की ठीक है जू प्लैंटेंस बेसिकली देखिए आपको यहां पर मैंने दिखाया है छोटे मोटे जिस तरीके के एनिमल्स हैं जैसे कि अमीबाइट्स सिलियेट्स ठीक है रोटिफर्स क्रस्टेशियंस इंसेक्ट्स ये सारे के सारे क्या है दीज आर ऑल द जू प्लैंटन्स ठीक जू प्लैंगटन प्ले वाइटल रोल इन फूड वेब ऑफ द फूड चेन न्यूट्रिय साइकिलिंग एंड इन ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक फिशेस क्योंकि ऑब्वियस बात है सबसे पहले जो ये जू प्लैंगटन्स वगैरह है ये क्या करेंगे ये फाइडो प्लैटन को खाएंगे और फिर इन जू प्लैटन को स्मॉल फिशेज फिर उसके बाद उससे बड़ी फिश फिर बड़ी फिश और लार्ज फिश करते करते ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि जू प्लैंगटन जो है वो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर जो बाकी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है फिशेज वगैरह है उनके बीच में एक लिंक का काम कर रहा है ठीक दे आर मोर अबेंडेंट विद इन मैनग्रूव वाटरवेज देन इन एडजेसेंट कोस्टल वाटर्स ठीक है मैनग्रुव वाटरवेज में ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द कोस्टल एडजेसेंट कोस्टल वाटर्स एंड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द जुवेनाइल फिश ऑफ मैनग्रूव हैबिटेट आर जू प्लैंगटीवोरस यानी कि जो छोटी मछलियां होती है ऑफ द मैनग्रोव हैबिटेट की वो ज्यादातर क्या होती है जू प्लैक्टिवोरस यानी कि वो जू प्लैंगटन को ही खाती है ठीक द जू प्लैक्टन डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ फिश स्टॉक जू प्लैंगटन जो है वो फिश स्टॉक के क्वांटम को डिटरमाइन करता है क्वालिटी एंड स्पीशीज डायवर्सिटी आर यूज फॉर असेसिंग द प्रोडक्टिविटी दट इज विजा वी फिशरी रिसोर्सेज

उनकी भी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी और उनकी भी जो पॉपुलेशन वगैरह है वो वहां पर ज्यादा होगी उनकी क्वांटिटी वगैरह ज्यादा होगी क्योंकि उनके लिए भी वहां पर आप कह सकते हैं सफिशियंट या पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल है फॉर देयर फीडिंग ठीक दिस इज ऑल अबाउट योर जू प्लांट इसमें से ज्यादा सच कुछ है भी नहीं ठीक इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सी ग्रास ठीक है सी ग्रास देखिए इस तरीके की दिखाई देती है आपको इसके बारे में क्या लिखा है सी ग्रास आर एनजियोस्पोम्स ठीक है एनजियोस्पॉम्स जिम्नोस्पोम्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने

दे ग्रो इन शेलो कोस्टल वॉटर्स विथ सेंड और मडी बॉटम्स एंड रिक्वायर कंपेरिटिवली काम एरियाज कहां पर पाए जाते हैं कोस्टल वाटर्स कैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा डीप या गहरा नहीं होना चाहिए शेलो होना चाहिए ठीक और सेंडी और मडी बॉटम यानी कि उसका जो तल है जो तल है वो कैसा होना चाहिए मडी या शेलो बॉटम सेंडी बॉटम होना चाहिए और वहां पर काम एरियाज होने चाहिए यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा वेव्स और जो विंड वगैरह है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक दे आर दी ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स अडेप्टेड टू लाइफ इन द सोल्ट वाटर यह सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स का एकमात्र ग्रुप है जो सॉल्ट वॉटर में अडेप्ट कर सकता है मतलब सॉल्ट वाटर के लिए अडेप्टेड है और वहां पर यह रह सकता है ठीक मेजर सी ग्रास मीडोज इन इंडिया आकर अलोंग दी साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु का जो साउथ ईस्ट कोस्ट है वहां पर एंड इन द लगून ऑफ यू लक्षदीप आइलैंड लक्षदीप आइलैंड में जो कुछ लगून वगैरह है वहां पर पाया जाता है देयर आर फ्यू ग्रासबेड्स अराउंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास भी थोड़ा बहुत ग्रासबेड आपको देखने को मिल जाएगा ठीक द रिच ग्रोथ ऑफ सी ग्रासेस अलॉन्ग द तमिलनाडु कोस्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज मेनली ड्यू टू हाई सेलिनिटी क्लैरिटी ऑफ दी वॉटर एंड सेंडी सबस्ट्रेटम ठीक है पहली बात तो यह है मैंने बताया कि ये अडेप्टेड है किसके लिए सॉल्टी रीजन में रहने के लिए तो वहां पर सेलिनिटी ज्यादा है इस वजह से ये मिल जाएगा साथ ही साथ पानी क्लियर है और जो सब स्ट्रेटम है सब स्ट्रेटम मतलब होता है जो लेयर है नीचे एक तो सरफेस लेयर है उसके नीचे की जो लेयर है वो मैंने आपको बताया कैसी होनी चाहिए सैंडी या मडी तो वहां पर सैंडी सब स्ट्रैटम है उसी की वजह से जो है ये वहां पर पाए जाते हैं ठीक इनका फंक्शन क्या क्या है सीग्रास बेड फिजिकली हेल्प टू रिड्यूस वेव एंड करेंट एनर्जी ये वेव और करेंट एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए या उनके लिए एक बैरियर का काम करते हैं टू फिल्टर सस्पेंडेड सेडिमेंट्स फ्रॉम द वॉटर वाटर से जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स होते हैं उनको ये फिल्टर करते हैं और बॉटम सेडिमेंट्स को ये स्टेबलाइज करते हैं जिससे कि इरोजन जो है वो कंट्रोल होता है ठीक मेरीन इन्वर्टिव और फिशेज के लिए ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं सी ग्रास बेड्स आर वाइड स्प्रेड इन द लगून एंड इन सच एरियाज द पॉपुलेशन ऑफ फिश एंड माइग्रेटरी बर्ड्स आर ऑल्सो हायर ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड शेल्टर क्योंकि ऑब्वियस बात है वहां पर फिशेज हैं या जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह है उनकी संख्या भी क्या होगी ज्यादा होगी क्योंकि उनको फूड मिल रहा है रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है तो वहां पर वो भी ज्यादा होंगे ठीक सी ग्रासेस ऑन रीफ फ्लैट्स एंड नियर एश्रीज आर ऑल्सो न्यूट्री एंटिंग बफरिंग और फिल्टरिंग न्यूट्री एंट एंड केमिकल इनपुट्स टू द मरीन एनवायरमेंट तो ये सारा काम भी ये सी ग्रास करता है ठीक है अब सी ग्रास को नुकसान क्या खतरा क्या है यूट्रोफिकेशन का नुकसान है क्योंकि यूट्रोफिकेशन में आपको पता है फिर से क्या होगा न्यूट्रिय हो आपको क्लियर वाटर चाहिए सिल्टेशन अगर अगर होगा अगर सिल्ट वगैरह ज्यादा आ जाएगी तो ठीक है ट्रौलिंग, ट्रौलिंग का मतलब भी आपको पता होगा क्या होता है कि जब उसमें से क्या होता है कि मतलब समुद्र में से कुछ बड़ी नेट वगैरह टाइप लगा के चीजों को निकालते हैं बाहर मछली वगैरह के लिए तो दैट इज नोन एस ट्रॉलिंग कोस्टल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन यानी कोस्टल इंजीनियरिंग एरियाज में अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो ठीक है कोस्टल रीजन में एंड ओवर एक्सप्लेटेशन अगर इसका किया जा रहा है फॉर दमर्शियल पर्पेज ये इसके मेजर थ्रेड या मुख्य आप कह सकते हैं इसको खतरा है ग्रास बेड्स को ठीक इसका मैनेजमेंट की बात करें तो द मेजर सी ग्रास बेड्स शुड बी मैप्ड एंड एरियाज है प्रिजर्वेशन यानी कि जो मेजर सी ग्रास बेड है उनको मैप किया जाना चाहिए और एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए ताकि इनका जो प्रिजर्वेशन है वो किया जा सके ठीक है ड्रेजिंग शुड बी कैरिड आउट फार अवे फ्रॉम सीग्रास बेड्स एज सिल्टेशन एंड टर्बिडिटी डिस्ट्रॉय सीग्रास बेड्स ड्रेजिंग मतलब आपको पता होगा कि जो आप कह सकते हैं एक तरीके से क्लीनिंग ऑफ दी वाटर बॉडीज होता है ठीक है ना उसको में से आप कूड़ा निकाल के आप उसको अगर वहीं पर रख देंगे तो दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ ड्रेजिंग तो उसको सीग्रास बेड से दूर किया जाना चाहिए क्योंकि सिल्टेशन और टर्बिडिटी इसके लिए क्या है नुकसानदायक है और वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है

कोई प्रॉपर रूट्स स्टेम्स या लीव्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी ट्रू डिफ्रेंसिएशन नहीं है जैसे आप यहां पर देखिए अब आपको इसमें क्या दिख रहा है कि कहां पर रूट है कहां पर लीफ है कहां पर स्टेम है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सी वीड्स द लार्जर एंड विजिबल मरीन प्लांट्स आर फाउंड अटैच टू द रॉक्स कोरल्स एंड अदर सबमस्ड स्ट्रेटा इन द इंटर टाइडल एंड शेलो सब टाइडल जोन ऑफ द सी ठीक है सीवीड जो है दे आर लाइजर लार्जर एंड विजिबल मरीन प्लांट्स ये कहां पर पाए जाते हैं रॉक्स वगैरह जो होते हैं रॉक्स में अटैच पाए जाएंगे कोरल्स में अटैच पाए जाएंगे और बाकी जो submerged स्ट्रेटा वगैरह है वहां पर अटैच पाए जाएंगे और वो भी कहां पर जो इंटर टाइडल और शेलो सब टाइडल जोन्स है वहां पर ठीक है फिर से वही बात टाइडल जोन्स वगैरह क्या होते हैं ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ के आइएगा ठीक है ये आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है सीवीड ग्रो इन शेलो कोस्टल वॉटर्स वेर एवर साइजेबल अवेलेबल ठीक है सीवीड जो है वो शेलो कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं जहां पर साइजेबल सब स्ट्रेटा आपको अवेलेबल है बेस्ड ऑन द कलर ऑफ देयर पिगमेंटेशन सीवीड्स को हम लोग अलग अलग क्लासेस में क्लैसीफाई कर सकते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन हो गया ग्रीन हो गया ब्राउन हो गया रेड हो गया जिस तरीके से हम लोग एलगी uh, को करते थे उसी तरीके से ठीक इसके बाद अगर इसके फंक्शन की हम बात करते हैं तो मेरीन ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक फूड प्रोवाइड करता है फिश ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए हैबिटेट है और सेडिमेंट का ये एक सोर्स है ठीक इसके क्या क्या सी सीवीड जो है वो ह्यूमंस के लिए भी फूड का काम करता है ठीक है ध्यान रखिएगा एनिमल्स के लिए भी ये फीड है एंड फर्टिलाइजर फॉर दी सीवीड्स आर वीड्स एज ड्रग फॉर गोइटर जो गोइटर होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है इंटेस्टाइनल एंड स्टोम डिसऑर्डर्स को भी इससे ट्रीट किया जा सकता है ठीक प्रोडक्ट्स लाइक अगर अगर एन एल्गिनेट्स आयोडीन विच आर ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स इनसे ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल वैल्यू के जो प्रोडक्ट हैं वो भी इससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं बाय द बायोडिग्रेडेशन ऑफ सीवीड्स मीथेन लाइक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट गैसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज तो इसकी बायोडिग्रेडेशन से क्या है कि मीथेन वगैरह जो है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एक्सट्रैक्ट ऑफ सम सीवीड स्पीशीज सो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कुछ प्रकार के जो सीवीड की स्पीशीज होती है उसके एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट में से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी शो करता है ठीक सी वीड्स आर ऑल्सो यूज एज द पोटेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन इन कोस्टल इकोसिस्टम पर्टिकुलरली हैवल मेटल पॉल्यूशन ड्यू टू देर एबिलिटी टू बाइंड एंड एक्यूमुलेट मेटल्स स्ट्रांगली ठीक है मतलब जहां पर पोटेंशियल इंडिकेटर है पॉल्यूशन का यानी कि जहां पर पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होगा ये उसको क्या कर सकता है उसको एक्यूमुलेट इकट्ठा कर सकता है ठीक हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सी वीड अगर रोट करती है यानी कि अगर ये सड़ जाती है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को रिलीज करेगी फिर ये हाइड्रोजन सल्फाइड का एक पोटेंट सोर्स बन जाएगा एंड अ हाईली टॉक्सिक गैस ठीक है एंड हैज बीन इंप्लीकेटेड इन सम इंसिडेंट्स ऑफ अपेरेंट हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग इससे होगी और उससे फिर क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है यानी कि सीवीड को रॉट होने से सड़ने से बचाना है इसके थ्रेड वगैरह क्या क्या है जैसे हमने ऊपर देखा सी ग्रास को लेकर ठीक है ना वो ड्रेजिंग ट्रॉलिंग वाले सारे के सारे वही जो है मुख्य नुकसान इसके लिए भी यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट योर मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत ही आसान चैप्टर है बस थोड़ा सा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में बताया है रिलेटेड टू तो दी फाइटो वगैरह वो आप ध्यान रखेगा कि सारे के सारे फाइटो जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं कुछ एडिशनल जो होते हैं एडिशनल एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं वो बेसिकली आपका आ, कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा अदरवाइज चैप्टर जो है बहुत आसान है सी वीड्स की रोटिंग होने से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है ये मीथेन का भी एक सोर्स है इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस फीड फॉर द एनिमल्स कुछ में एंटीबा बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं ग्वेटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिए हुए इनको आप चाहे तो अपने मतलब तरीके से माइक्रो नोट्स के फॉर्म में भी नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट कि एग्जाम में लास्ट टाइम पर आप रिवाइज कर सकें या फिर अगर आपको ये सारे के सारे पी चाहिए तो आप फुल कोर्स में हमारे एनरोल कर लीजिए वहाँ पर आपको ये सारे के सारे पी डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे फिर आप इसको अपने लैपटॉप में रख के अपने मोबाइल में रख के पढ़ सकते हैं या फिर चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है अब अगले पार्ट में हम लोग जो है अपना चैप्टर 15 दैट इज ऑफ दी प्रोटेक्टेड नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड areas वगैरह जो है जहां पर हम लोग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सब के बारे में बात करेंगे उसको हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक्स वगैरह जो है वो आप हमें वहां पर भी दे सकते हैं इस पूरे के पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एड फ्री बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट कि आप लोग अपनी जो पूरी तैयारी है इस कोर्स की इस सब्जेक्ट की वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आइधर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ई मेल आई डी दट इज सपोर्ट पर भी बात कर सकते हैं ठीक है बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमसे बातें शेयर करने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंकइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्प थैंक यू हैवे बाय